नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी में शनिवार को राजनीतिक सरगर्मी तेज रहेंगी, क्योंकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा तूफानी दौरा करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सांसद हुड्डा अनेक कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी जोश फूंकने का काम करेंगे। जहां दोपहर 12:30 बजे ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में शहीद डॉक्टर सत्यनारायण वशिष्ठ की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, वहीं सेक्टर 1 में युवा सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 16 की पार्षद रजना भारद्वाज के पुत्र एडवोकेट निखिल भारद्वाज द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन के दौरान अनेक युवा कांग्रेस का दामन थामेंगे। रेवाड़ी शहर के हाउसिंग बोर्ड के पीछे स्थित सेक्टर 1 में आयोजित युवा सम्मेलन में रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। युवा सम्मेलन के दौरान पार्षद रजना भारद्वाज के पुत्र एडवोकेट निखिल भारद्वाज युवाओं का सम्मेलन कर राजनीतिक पारी की भी शुरुआत करेंगे। वहीं शहर के अभय चौक पर पूर्व मंत्री एमएल रंगा व पंजाबी नेता महेंद्र छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसद दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि धारूहेड़ा से लेकर रेवाड़ी शहर में करीब 7 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। कांग्रेस के अन्य नेता भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा की रेवाड़ी में सक्रियता लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसके अनेक राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। निखिल भाई, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर जो युवा सम्मेलन आप आयोजित कर रहे हैं? कल हम छोटा सा युवा सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा नेता बुला रखे और भाई चिरंजीव राव और हमारे साथ का जो भी हमारा भाईचारा का यूथ है सब बुला रखा है। यहाँ तो प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाने की कोशिश करेंगे। सेक्टर 1 में हम युवा सम्मेलन कर रहे हैं अनाज मंडी के अपोजिट। किस टाइम कार्यक्रम रहेगा और कितने युवा लगभग आने की आपकी उम्मीद है, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? कार्यक्रम हमारा 2:30 बजे के करीब रहेगा। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जोड़ने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम को सफल बनाने की। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा युवा होंगे उतने ज़्यादा युवा करेंगे। भाई दीपेंद्र हुड्डा भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, चिरंजीव राव भी युवा हैं, तो क्या देखते हैं किस तरह से आप सारे आगे युवा ही काम करेंगे, युवा के साथ युवा जुड़ेंगे। जब भी आगे सरकार बनेगी हम तो आगे चिरंजीव भाई के साथ दीपेंद्र हुड्डा से कंधा से कंधा मिला के चलेंगे हर चीज़ के लिए। आपके फादर भी राजनीति में एक्टिव थे, आपकी मदर भी पार्षद हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये लॉन्चिंग है आपकी, कहीं ना कहीं राजनीति में आप पहले कदम रख रहे हैं इस तरह से? ये तो जी आगे देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ एक सम्मेलन कर रहे हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, एमपी साहब का, उनका सम्मान करने के लिए हमने वो सम्मेलन रखा है छोटा सा। वो तो भाइयों के ऊपर है कितनी भीड़ हम जोड़ सकते। अपने साथियों से क्या अपील करेंगे ताकि कार्यक्रम को देखें? साथियों से मेरी ये अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का शान बढ़ाए। रोहित भाई, कल की तैयारी को जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या तैयारी और क्या कार्यक्रम होने वाला है? कल 26 तारीख को हम सभी युवाओं ने मिलकर एक युवा सम्मेलन रखा है, जिसमें हमने भाई दीपेंद्र हुड्डा और भाई चिरंजीव राव को निमंत्रित किया है। सभी युवाओं से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर भाई दीपेंद्र हुड्डा और भाई चिरंजीव राव का स्वागत करें। कार्यक्रम को लेकर सभी युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है और सभी भाई दीपेंद्र हुड्डा को सुनना चाहते हैं।